हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नई नई वैकेंसी निकलती रह रही है और इसी क्रम में आज एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग दो की वैकेंसी। शिक्षक भर्ती वर्ग दो, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा। तो ये जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स, ये वैकेंसी स्कूली शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों के अंतर्गत निकली है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 13 फरवरी 2023 है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें तो एग्ज़ाम की डेट के बारे में बताया गया है 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और कुछ जानकारी दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, क्या इसका शेड्यूल रहेगा और कब से कब तक कितने घंटे का इसका पेपर होने वाला है। इसके बाद कुछ नॉर्मल कंडीशंस दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बारे में सारी जानकारी क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पद कोड एक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है ये है माध्यमिक शिक्षक की और पद की श्रेणी जो है वो है तृतीय श्रेणी अराजपत्रित, यानी कि अराजपत्रित पद ये रहने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की हम यहाँ पर बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, और उसी के साथ में नेक्स्ट संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है जो कि सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो न्यूनतम आपके जो नंबर है, न्यूनतम प्रतिशत अंक वो कितने रहेंगे, तो माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक में यहाँ पर SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप और EWS कैटेगरी के लिए 50% अंक रहेंगे और अन्य के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए, सामान्य के लिए या UR के लिए यहाँ पर 60% अंक रहने वाले हैं। इसके बाद कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। इसके बाद वेतन की हम बात करें तो न्यूनतम वेतन ₹32,800 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में भी बताया गया है जो कि लिखा गया है कि 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। 2.5 घंटे में आपको 150 अंक का पेपर पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा और इसका जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस भी यहाँ पर लिखा गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। इस तरह से आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और सिलेबस के बाद में यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो पार्ट 2 वाला जो है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर पद कोड 2 जो है उसके बारे में लिखा गया है माध्यमिक शिक्षक खेल, तो माध्यमिक शिक्षक खेल के बारे में भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से आप इसकी ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, और डाउनलोड करने के बाद आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।